हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। आनंद विहार थाना क्षेत्र के क्रॉस रिवर मॉल की पार्किंग की पर्ची देर से देने में गार्ड की पिटाई, फिर थाने में जाकर पुलिस कर्मियों को भी पीटा। आनंद विहार इलाके में एक महिला समेत चार लोगों को पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को पीटने, गैर इरादतन हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों ने आनंद विहार थाना क्षेत्र के क्रॉस रिवर मॉल में पार्किंग में लड़कियों को पार्किंग की पर्ची पहले देने पर गार्ड की जमकर पिटाई की। मामला आनंद विहार थाने पहुंचा तो वहां एक हेड कांस्टेबल को भी बुरी तरह पीट दिया। उसे बचाने आई महिला कांस्टेबल को भी छेड़छाड़ की। बाकी स्टाफ रूम में पहुंचकर पीड़ितों को बचाया। ये मामला मंगलवार की दोपहर का है, जहां मंगलवार की दोपहर तकरीबन एक बज के 10 मिनट के आसपास सबसे पहले आरोपियों ने क्रॉस रिवर मॉल के एक गार्ड के साथ हाथापाई की थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जिसके बाद पीसीआर कॉल की और आरोपियों को जब थाने लेके पहुंचे तो वहां पर पुलिस स्टाफ से भी बदसलूकी की और मारपिटाई की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को पीटने, गैर इरादतन हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस मामले पर सहादरा जिला के डीसीपी रोहित मीना से बुधवार की दोपहर 3 बजे हमने बात की तो उनका क्या कहना था, सुने बाइट। कल एक हमें मैटर नोटिस में आया था, जिसमें किशन पाल हैं, गार्ड हैं, ये सीबीडी मॉल के पास में, तो वहाँ पे वो झगड़ा कर रहे थे गार्ड के साथ, उनके हाथापाई की। जिसके बाद हमारे जो आईओ हैं, हेड कांस्टेबल, इसमें विक्रम, मौके पे गए जांच पड़ताल के लिए, और थाने में आने के बाद इन्होंने विक्रम के साथ भी इन्होंने हाथापाई करी, और एक लेडी कांस्टेबल को भी इन्होंने परेशान किया। इसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया और इसमें तीन लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है, एक रमन है, एक हरविंदर है और एक कुलवंत सिंह है, और इनको अरेस्ट के बाद हमने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। जी वो स्लिप पर था पार्किंग के पर्ची काट रहा था ना, एक जेंट्स था, जेंट्स भी खड़ा था, पहले एक लेडीज है, मैंने पहले लेडीज को दे दी क्योंकि धूप थी, वो लड़कियाँ थी, शरबत मान लो मेरी आज कुछ ही मान लो, इसी बात पे दूसरा आदमी भड़क गया, मेरे से गाली गलौज बदतमीजी करने लगा। अच्छा, हमने देखा है कि सीसीटीवी के अंदर पहले वहाँ आपकी बातचीत हुई, फिर वो चले गया। नहीं गया नहीं, वो वही वही खड़ा साइड में, स्कूटी लेकर साइड में, ये भी चला वही साथ में, दोनों थे ना साथ में, स्कूटी लेके वो खड़ा हुआ थी बराबर में ही लड़के को, उसने किया फ़ोन अपने, अभी आ रहा मेरा लड़का, माँ बहन की गाली थी मुझे बहुत, मैं चुप रहा, मैं अपने काम में रहा, दी रहा काम में, लड़का आया उसका बाद में, मैं रोड के बाहर वॉशरूम गया, जैसे मैं आया रोड में अत्याचार मेरे साथ मारपीट कर दिया माँ बेटों ने। अभी उसके बाद फिर थाने आ गए आप लोग? जी, थाने में क्या हुआ? थाने में भी उन्होंने यहाँ हत्यापाई करी, पुलिस के साथ हत्यापाई करी, पुलिस के साथ, पुलिस को मारा? जी, पहले उन्होंने आपको मारा, हाँ, फिर बाद में यहाँ थाने में पुलिस को मारा। परमेश बंसल। परमेश बंसल साहब, क्या हुआ है कल आप इनके साथ खड़े थे? मैं साथ में था, मैं चेकिंग पे था, ये चेक कर रहे थे, तो मात्र एक इतना डिफरेंस था कि पहले इन्होंने साइड में जो बच्ची आई थी दो, उनको पर्ची दे दी, मात्र 4 सेकंड का डिफरेंस था, और बाद में उनको पर्ची दी तो वो बोल रहे, मतलब ऑब्जेक्शन हो गया उनको, उनको चिड़न पैदा हुई कि उनको मतलब क्यों दी पहले, और गाड़ी गलौज पर इतने उतर आए कि बस लिमिट पार कर दी उन्होंने। फिर लड़का, मैं अपना अभी फ़ोन करता हूँ और लड़का आके तुम्हारा वो इलाज करेगा, और गाड़ी इतनी गंदा गंदा बोल रहा है कि वो तुम्हारा वो कर देगा, ये कर देगा, अभी तुम्हारा फाड़ देगा तुमको, मतलब इस तरीके से बोल रहा है। और उन्होंने 10 मिनट बाद लड़का बुलाया, लड़का की माँ भी आई, तो मैं उसको मतलब इसको फिर बचाने के लिए कोशिश की, मैंने ऐसी डंडा उठाया भी था, हाँ, डराने के लिए, किसी को टच भी नहीं हुआ है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो के थ्रू से, मेरा डंडा किसी को टच नहीं हुआ, मैं इसलिए सोच रहा था कि काश छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ा, तब इसका दम घुटने लगा, बगल में इसको दबा लिया था घेर के, तब दम घुटने लगा, तो इन्होंने ज़रा सा उसको काटा है बस अपनी सेफ्टी के लिए।